में बाढ़ से अभी तक 26 जिलों के करीब 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अब तक 8 लोगों की जान तक जा चुकी है। इनमें 5 की मौत भूस्खलन की वजह से हुई है। बारिश से आई जो बाढ़, उसके बाद तबाही कई गांवों को बर्बाद कर दिया है। केंद्र ने असम को संभव मदद देने का भरोसा दिया, वहीं पर बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव के हालात पैदा हो चुके हैं। असम के नागांव में कामपुर के कई इलाकों में चारों तरफ पानी ही पानी है। भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर रख दिया है। जी न्यूज की टीम जब कामपुर पहुंची तो तबाही का आलम साफ दिखा। लोग जान बचाने के लिए अपने सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। का क्या वहाँ पे घर है? हाँ, मेरा घर वहाँ है। पानी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग सुरक्षित जगह में जा रहे हैं। अच्छा, अब घर से क्या क्या ले सके? चावल है, चावल उधर बनाया था। अच्छा, चावल बनाए थे? हाँ। तो खा नहीं पाए? खा नहीं पाए, घर में पानी घुस गया, बैठने की जगह नहीं है। हाँ, घर में पानी घुस गया, बैठने की जगह नहीं है। अभी चावल मुर्गी वगैरह लेकर सुरक्षित जगह में हम लोग जा रहे हैं। कामपुर में भारी बारिश ने कहर बरपाया ही है। नहरों का पानी छोड़े जाने की वजह से कई हेक्टेयर इलाके में पानी भर गया है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ की इन तस्वीरों को देखकर ही कलेजा कांप उठता है। कई लोग घरों में फंसे हुए हैं। घर पूरी तरह टूट गया, ये घर पूरी तरह टूट गया। आप देख सकते हैं कि ये जो मकान था, एक घर टूट गया। पास का जो घर है, इसमें छोटे से बच्चे को लेकर एक महिला यहाँ पर फंसी हुई है और उनके पति घर में नहीं है, जिस कारण से वो यहाँ से निकल भी नहीं पा रही है। ऐसी स्थिति है। और घर के सामने आप देख सकते हैं कि एकदम समुंदर की तरह जो पानी का बहाव है, पूरा समुंदर की तरह यहाँ पे पानी का बहाव हमें दिख रहा है। भूस्खलन और भारी बारिश की वजह से असम की हर छोटी बड़ी नदी उफान पर है। लगातार हुई बारिश ने लोगों की जिंदगी को नर्क बना दिया है। लोग बाढ़ के बीच सड़कों के किनारे शरण लिए हुए हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें सुरक्षित जगह की तलाश में काफी दूर चलना पड़ रहा है। असम में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग स्टेशन पर खड़ी ट्रेन बाढ़ के पानी के बहाव के कारण पलट गई। अब हम आपको बंगलुरु लिए चलते हैं। बंगलुरु में बीती रात भारी बारिश की वजह से शहर के सुल्तानपेट, तुमकुर रोड और बेल रोड इलाके में जल भराव हो गया। कई जगहों पर पानी इतना भर गया कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जाहिर है, बारिश ने असम और कर्नाटक में कहर बरपा रखा है। असम से सोमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।